नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, HAL की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी और वायुसेना के लिए HAL एक नहीं दो प्रकार की लड़ाके बनाकर तैयार करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बड़ी खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, HAL के साइंटिस्टों की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। पहली है तेजस MK1 को लेकर और दूसरी है तेजस MK2 को लेकर। और दोस्तों, HAL ने तेजस MK1 को लेकर यह जानकारी दी है कि इस साल 2022 से तेजस MK1 के LCA मार्क 1 वेरिएंट पर भारत का HAL बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है और इसकी जो फ्लाइट है वो मई के लास्ट से स्टार्ट कर दी जाएगी और इस साल यानी 2022 के अंत तक LCA मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में 83 तेजस फाइटर जेट को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। और साथ में HAL ने इस फाइटर जेट की जितनी भी तकनीक थी उसको डेवलप कर लिया है और इसके कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे इसकी असेंबली लाइन जल्द से जल्द शुरू की जा सकती है। दूसरी खुशखबरी दी है तेजस MK2 को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया है कि तेजस MK2 को 2023 के जनवरी माह तक रोल आउट कर लिया जाएगा और इसको फरवरी 2023 के अंदर एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया जाना है और साथ में अगस्त 2023 में इसके लो और हाई टैक्सी ट्रायल शुरू किए जाएंगे, जिसके पश्चात 5 तेजस MK2 फाइटर जेट को और बनाया जाएगा ताकि यह जो फाइटर जेट हैं वो भारतीय वायुसेना के हिसाब से अपने परीक्षणों को पूरा कर सके। और जब भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेटों को लेकर संतुष्ट हो जाएगी तो फिर सरकार के आदेशानुसार तेजस MK2 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में इसका एक नया कंपोनेंट बनाकर तैयार किया गया है जिसका नाम है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जो कि बिल्कुल नया और लेटेस्ट है और इसको तेजस MK2 के अंदर फिट किया गया है। और साथ में HAL की ऐसी उम्मीद भी है कि तेजस MK1 की डिलीवरी पूरे होने के बाद में 2029-30 से पहले सरकार के द्वारा तेजस MK2 के प्रोडक्शन का आदेश दिया जा सकता है और बाद में फिर वायुसेना के हिसाब से तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि क्या तेजस MK2 को 2029-30 तक रोकना क्या भारत के हित में रहेगा या फिर तेजस MK2 को जल्द से जल्द बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।